देखोगे 4 महीने का बच्चा, अगर इसको अच्छी तरह से दूध पिला दीजिए और वार्म है बच्चा, तो वो अपने हाथ को पकड़ के ऐसे मुस्कुराता रहता है। फाइन मूवमेंट यानी कि छोटी मसल्स का कंट्रोल बच्चों में कब स्टार्ट होता है। फाइन मूवमेंट बेसिकली इन उंगलियों का जादू, उंगलियों का कंट्रोल बच्चों को और किस किस एज पे आता है, आज उस पर बात करेंगे। बच्चा जब पैदा होता है तो आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि उनके हाथ बंद रहते हैं, मुट्ठी ऐसे बंद रहती है, जिसको हम लोग हैंड प्रिडोमिनेंटली क्लोज कहते हैं, फिस्ट क्लोज होती है। ये 1 महीने के बाद ये खुलना स्टार्ट होती है। 1 महीने के पहले तक ये इतना, इसको हम कहते हैं पाल्मर ग्रास, ये इतना स्ट्रांग होता है कि बच्चों की उंगली अगर आप रखिए उनके पाम में तो आप उनको उठा सकते हैं, ऐसे ये उड़ जाते हैं, तो इसको पाल्मर ग्रास कहते हैं। तो 1 महीने पे ये खुलने लगती है। बच्चों को पहली बार जो है उनको समझ में आता है कि उनका हाथ है, वो 4 महीने पे समझ लीजिए। उससे पहले जो है उनको अगर आप कोई चीज़ देंगे तो उनको पता नहीं होता है कि ये सिर्फ हाथ से पकड़नी है। तो आप देखेंगे कि कोई बच्चे को कोई चीज़ देंगे तो वो हाथ पैर दोनों हिलाते हैं, इसको कहते हैं मास रिफ्लेक्स। ये मास रिफ्लेक्स डिसअपियर्ड हो जाता है 3-4 महीने पे और बच्चे को समझ में आता है कि उसके हाथ भी हैं। कब? 4 महीने पे। इसको कहते हैं बाई डेक्स्ट्रस ग्रैस्प, यानी कि बच्चा, आप देखोगे 4 महीने का बच्चा, अगर उसको अच्छी तरह से दूध पिला दीजिए और वार्म है बच्चा, तो वो अपने हाथ को पकड़ के ऐसे मुस्कुराता रहता है। उसको पहली बार अपने हाथ से मोहब्बत हो जाती है, उसको दिखाई देता है कि अरे ये तो हाथ भी है मेरे। वो ऐसे देखता रहता है अपने हाथ को, अपने हाथ को पकड़े रहता है। इस माइलस्टोन को कहते हैं हैंड रिगार्ड। ये कब आता है? 4 महीने पे। उसके बाद 6 महीने पे यूनिडेक्सस गैप। 6 महीने में बच्चे को समझ में आने लगता है कि अब वो एक हाथ से अपने चीज़ों को पकड़ सकता है। अब अगर आप कोई चीज़ उसको देंगे तो एक हाथ से पकड़ेगा, 4 महीने पे कोई चीज़ देंगे तो वो दोनों हाथ से पकड़ेगा, ठीक है। 6 महीने पे यूनिडेक्सस गैप, यानी उसको आप समझ में आता है अपने एक हाथ का इस्तेमाल कर लेंगे। 9 महीने पे अगर आप बच्चे को कहते हैं इमेच्योर पिंसर ग्रैस्प आता है। पिंसर ग्रैस्प का मतलब कि अब उंगलियों का मूवमेंट उनको समझ में आता है कि अब उंगलियों को हम वो यूज कर सकते हैं। तो कभी आप किसी बच्चे को ऐसे पैलेट बना के देंगे तो वो ऐसे पकड़ता है, यानी 5 उंगलियों को, 4 उंगलियों को यूज करने की कोशिश करता है। कोई भी चीज़ अगर आप देंगे तो वो ऐसे उठाता है, इसको कहते हैं अल्नार ग्रैस्प। ये कब आता है? 9 महीने पे। और प्योर जो है पिंसर ग्रैस्प आता है, वो आप कोई चीज़ छोटी सी देंगे तो वो 2 उंगलियों को यानी थंब और इंडेक्स फिंगर का यूज़ करना इमेच्योर पिंसर ग्रैस्प फर्स्ट बर्थडे पे आता है। जैसे मैंने बताया था फर्स्ट बर्थडे पे क्या होता है, बच्चा बिना किसी की हेल्प के खड़ा हो जाता है, इसी टाइम बच्चा जो है वो उसको मेच्योर पिंसर ग्रैस्प आता है। अब अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं, आपने बच्चे को पेन दे दिया और पेंसिल दे दिया तो वो अब स्टार्ट कर देता है लिखने की कोशिश करता है। तो स्टार्टिंग को कहते हैं कि स्क्रिबलिंग आती है 15 महीने के आसपास। अगर आप बच्चे को पेपर और पेन दे दीगे तो वो ऐसे 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 गोजी गाजा करेगा। 18 महीने पे आते आते वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रोक्स वो लगाने लगता है, मतलब सीधी सीधी थोड़ी बहुत लाइन वो खींचने लगेगा। 3 साल के आते आते, 3 साल लग जाते हैं, 3 साल पे बच्चा जो है वो गोल बनाने लगता है, पूरा गोल ना भी बना पाए, अंडे बना ले, लेकिन सर्कल जो है बनाना वो 3 इयर्स पे सीखता है। 4 इयर्स पे वो स्क्वायर बनाना सीख जाता है और 5 इयर्स पे जाके वो ट्राइंगल बनाना सीख जाता है। ये फाइन मूवमेंट इसको धीरे धीरे आ रहा है।
कब ट्राइंगल बनाना ज्यादा टफ है वो आता कब, 5 ईयर्स पे, 5 मूवमेंट में। और आपको बता दूं, आपको बटनिंग, 2 साल के बच्चे जो है ना वो अपने आप को अनड्रेस कर लेते हैं, कपड़े अगर आपने टी शर्ट दिया है तो उतार देंगे, लेकिन शर्ट नहीं खोल पाते हैं 2 साल का बच्चा। बटनिंग एंड बटनिंग यानी अपना बटन खोलना कब आता है, 3 साल का आता है। लेकिन 2 साल के बच्चे को आप देखेंगे माँ जो है कैप पहना रही है, फेंक दिया, एक मोजा पहना रही है तब तक दूसरा मोजा डाल ली, तब तक एक मोजे को निकाल दिया, तो वो अनड्रेसिंग देमसेल्फ 2 साल का आता है, और 3 साल पे जाके वो बटनिंग एंड अनबटनिंग भी आ जाती है। इसके अलावा फाइन मोटर में आपको ब्लॉक गेम भी बच्चों को देखना चाहिए कैसे कर पाते हैं। तो 2 साल का बच्चा करीब करीब समझ लीजिए कि 6 ब्लॉक्स को एक दूसरे को ऊपर करना सीख जाता है। 3 साल का बच्चा 9 ब्लॉक्स को रखना सीख जाएगा, और 4 साल में करीब करीब ब्रिज बनाना सीख जाता है, ट्रेन बनाते हैं उससे खेलते हैं। तो ये है आपका फाइन मोटर। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, 1 महीने के बच्चे की मुट्ठी खुल जाती है, उससे पहले वो बंद ही रहती है। 4 महीने पे जाके बच्चे को पता चलता है कि ये हाथ हैं हमारे पास, वरना उससे पहले वो दोनों हाथ पैर के इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। 6 महीने पे वो 1 हाथ का इस्तेमाल करने की सीख जाता है, 9 महीने पे वो उंगलियों की हरकतें सीख जाता है, और 1 साल तक आते आते वो उसको पिंसर ग्रास्प आता है, यानी कि आप जैसे पेन पकड़ते हो वैसे वो पकड़ लेता है। 2 साल में वो चीज़ों को एड्रेस कर सकता है, उठा सकता है। 3 साल में वो बटनिंग अनबटनिंग आ जाती है, और बाकी ब्लॉक गेम्स के बारे में बता गया है। 3 साल में सर्किल, 4 साल में स्क्वायर, 5 साल में ट्राइंगल बनाना भी सीख जाता है। ये फाइन मोटर है।